रुक जाइए। ये तो पृथ्वी धंसने लगी है। सब लोग सावधान रहना, सतर्कता से काम लेना। काल का दंड अपना कार्य कर रहा है। शीघ्र ही केसरी के प्राण हर कर ले आएंगे हमारे यमदूत। नियम है तो यम है। कुछ भी हो जाए, कोई अपना स्थान मत छोड़िएगा। अब क्या होगा हनुमान? आसपास से धरती धंस चुकी है। अब तो इसी चट्टान का आश्रय है, ये कभी भी धंस सकती है। संभल के, बाल को संभल के, हनुमान संभल के, अंजना। बाल को संभल के। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। संत
दुल्हन बनाए रखो। ये चट्टान भी एक छोटे से आधार पर झूल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ, आपने ही मुझे सीख दी थी अंतिम श्वास तक आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे पुत्र, विजय प्रयास करने वालों को ही मिलती है, जो करना है शीघ्र करो। हनुमान, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सबको रक्षित करने का प्रयास करो। किंतु मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे महादेव, हे प्रभु, अब आप भी रक्षा कीजिए। यदि कोई अदृश्य शक्ति हनुमान के परिवार को हानि पहुंचाना चाहती है तो हनुमान ने मुझे भी माँ माना है, मेरे प्राण ले लो, किंतु हनुमान के परिवार को इस कष्ट से मुक्त कर दो। न जाने ये कैसी देवी है, आपका आन पड़ी है, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अपने स्थान पर पत्थर रखकर उड़ने का प्रयास करो। कुछ तो करो हनुमान। किंतु मैं क्या करूं? यदि मैं यहाँ से हिल गया तो ये पूर्ण चट्टान असंतुलित होकर गिर सकता है। काल जब कुपित होता है हनुमान, तो मनुष्य को बचने का कोई मार्ग नहीं मिलता। ऐसा ही होता है काल का दंड। हनुमान, तुमने सबके संकट का मोचन किया है, तुम्हें संकट से हम सबको बचा सकते हो। तुम्हें कुछ करना ही होगा मित्र, हम सबकी रक्षा तुम्हें ही करनी है, कुछ करो मित्र। हनुमान, मैंने तुम्हें असहायता का पाठ नहीं पढ़ाया है, सोचो पुत्र कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ माँ, असहायता पराजय का द्वार होता है, मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है, आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन, आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे। कुछ करना ही होगा। सखा, सब स्थिर होकर अपना संतुलन बनाए रखिए। चलो सखा। काल देव के कठिन प्रयास विफल करे हनुमत सप्रयास, अडिग अचल्यम देव कठोर, हनुमत निर्मल भाव विभोर। मारुति सम बालक संग ऐसा काल खेलते खेल ये कैसा, कौन कहे क्या हो परिणाम,
मारुति महिमा ललित ललाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नहीं हनुमान, तुमने पुनः बचा लिया उन्हें। किंतु काल के हाथ बहुत लंबे हैं, जिनसे मुक्ति पाना असंभव है। पुनः होगा मेरा प्रहार और तब तुम नहीं बचा पाओगे अपने पिता को। नियम का पालन सबको करना ही होगा। संकटमोचन हनुमान की जय। 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 मां, पिताश्री, दोनों स्वप्न में मुझ पर संकट देखा था। ध्वज भी मेरे ऊपर गिरने वाला था। कहीं ये संकट मेरे कारण तो नहीं आया सब पर। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? अब तो संकट टल गया है। किंतु पिताश्री, यदि संकट नहीं टलता तो आप सब इस यात्रा पर मेरे कारण आए हैं। मेरे सारे मित्र भी मेरे ही कारण आए हैं। यदि कोई अनर्थ हो जाता तो आप सबके प्राण भी संकट में पड़ गए थे। किंतु मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष? मित्र, तुमने तो हम सबके संकट हरे हैं। पुत्र हनुमान, स्वप्न के कारण ऐसा सोच रहे हो ना? ये विचार मेरे हृदय में भी आया था, किंतु भूकंप आदि तो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती हैं। इन विषयों को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। और यदि ये किसी विशेष कारण से हो भी रहा है तो ये संकट तीर्थ यात्रा पूर्ण होने पर ही टल पाएगा। हाँ माँ, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। नहीं, कोई आगे नहीं जाएगा। कोई आगे नहीं जाएगा। आगे की यात्रा मैं पूर्ण करूंगा। आप सब यहीं से वापस लौट जाएं। किंतु स्वामी। नहीं, मैं अपने कारण सबके प्राण संकट में नहीं डाल सकता। मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको छोड़ के कोई नहीं जाएगा। यदि कुछ होना ही है तो हम सबको होगा। स्वामी, आपको अकेले नहीं जाने देंगे हम। बस ये
ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। कोई आगे नहीं जाएगा, राजा हूं मैं, मेरे आदेश का पालन किया जाए। बुद्धिमान है केसरी, परिवार को संकट से बचाकर आत्मत्याग को अग्रसर होना परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभाइए केसरी। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपने हमारा मार्ग सुगम कर दिया है। नियम है तो यम है। पिताश्री, आपका पितृधर्म एवं राज्य धर्म है सबकी रक्षा करना, और आपने मुझे भी सीख दी थी मनुष्य को धर्म का निर्वाह प्राण प्रण से करना चाहिए। है क्या मुझे अपना पुत्र धर्म नहीं निभाना चाहिए? आप पर आसन्न संकट देखकर हनुमान कैसे आपसे विमुख हो सकता है? सुख दुख के कच्चे धागों के अटूट बंधन मैंने आपसे बांधे हैं स्वामी। आपका सुख दुख, आपका संकट मेरा भी सुख दुख और संकट है, और मुझे अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह भी करना है। महाराज, प्रजा राजा का परिवार होती है। आपने भी तो हमें बंधु बांधव कहा था, बंधु बांधव का दायित्व हमें भी निभाना होगा। पिताश्री, यदि मैं संकट में होता तो आप मुझे छोड़कर चले जाते? सुख दुख दोनों जीवन राग, विधि सब रचते राग विराग। स्वजन साथ तो सच्चा भाग्य, ऐसे में वन भी है राज्य। अपनों का सुख पावन धर्म, स्नेह भाव ही जीवन मर्म। रखते हर पल सबका ध्यान, जग में श्रेष्ठ स्वजन हनुमान। मुझे जो होना है हो जाए, किंतु मेरे कारण यदि आप सबके प्राण संकट में आएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। सुख में तो सब साथ देते, अपनों की पहचान दुख में ही होती है स्वामी। सुख आपस में बांटने से बढ़ जाता है, और दुख अपने बांट ले तो कम हो जाता है। पिताश्री, आपने ही तो सीख दी थी कि एकता में शक्ति होती है। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। किंतु मैं तुम में से किसी को भी संकट में नहीं डाल सकता। पिताश्री, हनुमान भी आपका ही पुत्र है। हनुमान आपको इस संकट में छोड़कर नहीं जा सकता, भले ही आप हनुमान को आज्ञा के उल्लंघन का दंड क्यों ना दे दे। मेरा तो सर्वत्र तुम हो पुत्र, तुम्हें दंड देने का अर्थ है स्वयं को दंड देना। हम सबको साथ चलने की अनुमति दे दीजिए पिताश्री। ठीक है, हम साथ चलेंगे, हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा, अपने माता पिता और परिजनों का ध्यान रखना होगा।